जन्नत बनाने कुवैत गए एक भारतीय की जिंदगी कुवैत में जहन्नुम बन गई। आकोली गांव का एक युवक 2 साल पहले कुवैत गया था, जहां उस पर जुल्म की रुदाद लिखी गई। 2 दिन पहले वतन आए मदन सिंह की कहानी सुनकर आप भी शेयर उठेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। 2 वक्त की रोटी की तलाश में वो वतन छोड़कर विदेश गया था। मुश्किलों को दूर करने के लिए घर छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन अफसोस तकदीर ने विदेश में तकलीफें लिख दी। मजदूरी कर जिंदगी की गाड़ी खींचने जालौर के अकोली गांव के रहने वाले मदन सिंह कुवैत गए थे, लेकिन पिछले 2 सालों से मदन सिंह कुवैत में फंसे थे। दोस्त के साथ मजदूरी करने कुवैत गए मदन सिंह के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया जा रहा था। मदन सिंह के मालिक ने उनसे दस्तावेज छीन लिए और उनके साथ बर्बर बर्ताव करने लगा। मदन सिंह ने जब इंडिया आने की बात अपने मालिक को कही तो मालिक मदन सिंह को डराने धमकाने लगा और मजबूर करके मदन सिंह को मजदूरी करवाने लगा, जिसके बाद परेशान मदन सिंह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। मेरे को इधर से 8 घंटा ड्यूटी बताया, 15 घंटा ड्यूटी करा रहा था। बाद में 15 घंटा ड्यूटी कराया, आने टाइम वीजा और पासपोर्ट ले लिया, बाद में देजी सपोर्ट किया। वतन वापस आने के लिए मदन सिंह ने सांसद देवजी एम पटेल से बात की। इसके बाद सांसद पटेल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर मदन सिंह को भारत लाने की बात कही। सुषमा स्वराज ने भारतीय दूतावास से संपर्क कर कागजी कार्रवाई पूरी करने को कहा, जिसके बाद मदन सिंह 2 दिन पहले वतन लौट सका। मजदूरी के लिए गए थे, 15-16 महीना काम किया, फिर ज्यादा काम करवा रहे थे तो उन्होंने वहाँ से भाग के MEC चला गया। फिर MEC में कुछ सुनवाई हुई नहीं, फिर उन्होंने फोन किया कि उसको करो सपोर्ट करो। तो फिर मैं MP साहब के पास गया और लेटर बना के MP साहब को दिया। फिर MP साहब ने आगे सुषमा जी को फॉरवर्ड किया और फिर 3 महीना वर्ष में लगा, फिर उनके पास टिकट बन गया। मदन सिंह का कहना है कि अभी भी कई भारतीय कुवैत में फंसे हैं, जो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। मदन सिंह ने सरकार से अपील की है, जो भारतीय कुवैत में फंसे हुए हैं, सरकार उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाले। बबलू मीना, जी मीडिया, जालौर।